एम्प्लॉयमेंट करने के इरादे से वैकेंसीज निकाली थी 2019 में। रेलवे की नौकरी आप सब जानते हैं बहुत ही लोगों को पसंद है क्योंकि एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका देश भर में विस्तार है, हर सबसे जन जन से जुड़ा है, एक इमोशनल कनेक्ट है, इसलिए एप्लीकेशन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा आएंगी ही आएंगी। बहुत ज्यादा से ज्यादा नौजवान इससे जुड़ना चाहेंगे ही चाहेंगे। एप्लीकेशन खूब संख्या में आई, 1 करोड़ से ज्यादा आई एनटीपीसी कैटेगरी में भी और लेवल 1 कैटेगरी में भी 1 करोड़ से ज्यादा दोनों जगह आई एप्लीकेशंस। परीक्षा की तैयारी चालू हुई, परीक्षा के हिसाब से पहले जिनको अपॉइंट किया गया उसके बाद में आया कि नहीं टेंडर करना चाहिए, टेंडर के हिसाब से सीवीसी के रिकमेंडेशंस आए उसके हिसाब से वापस टेंडर करके नया एक अपॉइंटमेंट हुआ कि ये टेस्ट की एजेंसी होगी। टीसीएस को सेलेक्ट किया गया एनटीपीसी के लिए और मेरे ख्याल से एनएससी को सेलेक्ट किया गया लेवल 1 के लिए, राइट। मैं पूरी पूरी बात बता देता हूँ जिससे किसी के मन में कोई संदेह ना रहे। एग्जाम डिस्पाइट कोरोना का जो ऐसा कालखंड था जो आप सब जानते हैं, हम सब ने झेला उस कालखंड को, उस कालखंड के दौरान भी एकदम ट्रांसपेरेंट वे से टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में आप सब जानते हैं कि कहीं से कोई किसी तरह की पेपर लीक की बात नहीं है, कहीं पे कोई मैनिपुलेशन की बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हुआ। रही बात शॉर्ट लिस्टिंग की, जहां पे छात्रों के मन में एक उद्वेग आया और एक मैं कहता हूं हमको, हम लोग संवेदनशील सरकार है, हमारे मन में ये भावना है कि हम सेवा करें, हमारे मन में ये भावना नहीं कि हम राज करें। ये भावना के साथ जब काम करते हैं, अंत्योदय की भावना से गरीब की सोच की भावना से, तो उस भावना से जब काम करते हैं तो अगर छात्रों को परेशानी हुई तो उसको सॉल्व करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हम तैयार हैं, उसमें हमारा कोई ईगो नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि जो रेलवे से जुड़ रहे हैं उनके मन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई संशय है, कोई पॉइंट पे डाउट है, किसी कारण से उद्वेग है, तो हम उसको समाधान करना हमारा ड्यूटी है। तो इसीलिए जैसे ये पॉइंट आया तुरंत एक कमेटी बनाई जो कि सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है कई वर्षों का रिक्रूटमेंट का, ऑलरेडी मोर देन 1 लाख रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं कमेटी के पास में। और कमेटी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा उसमें टारगेट दिया हुआ है विद इन 3 वीक्स आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं उसका तुरंत उसका एग्जामिनेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं जिससे कि एक फेयर वे में इस प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके। 3 प्रॉब्लम्स है, पहला एनटीपीसी में शॉर्टलिस्टिंग में कितने होने चाहिए यूनिक कैंडिडेट्स, दूसरा ग्रुप डी यानी लेवल 1 का एग्जाम सिंगल स्टेज होना चाहिए या डबल स्टेज होना चाहिए, राइट। तो ये 2 बड़े इश्यूज हैं। तीसरा मुद्दा है कि भाई टेस्ट का लेवल कैसा हो, हाई है, बहुत ग्रेजुएट ज्यादा आ जाएंगे 10+2 कैटेगरी में, संवैधानिक व्यवस्था है उसी फ्रेमवर्क में हम सब काम करेंगे। तो इन तीनों का समाधान करने के लिए हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं, टाइमलाइन लेके काम कर रहे हैं, संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, सेवा की भावना के साथ काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मन में, हमारी नियत में, हमारे तरीके में, हमारे प्रोसेस में कहीं पे संदेह की बात ही नहीं। एकदम क्लियर स्पष्ट वे में मैं सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ, हम उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। जो अनिश्चितता होती है, जो माइंड में एंग्जाइटी होती है, वो मैं समझ सकता हूँ। मतलब हम तो, हमें भी ध्यान है कि ट्रेन में स्लीपर कोच में नीचे अखबार बिछा देते थे और उसमें सो जाते थे, स्टेशन जहाँ पे सेंटर होता था वहां तक जाते थे, कहाँ रिजर्वेशन करवाने के हालत कहाँ होती थी, आर्थिक स्थिति कैसी होती थी, हमें ये पता है। जिया सराय में रहकर रहना, एक ही स्टूडेंट, एक ही दोस्त के घर में 7-8 लोग हम रह जाए, एक रूम में रह जाए, ये सब आपने, जो आप सबने देखा है, हमने भी देखा है। हमारे छात्रों की जो भावना है उस भावना को हमने महसूस किया हुआ है, उसके साथ संवेदनशीलता से डील कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो एकदम खुले में प्रश्न पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है।